अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, बात कुछ इस तरह के, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि शाह जी और सलमान बैठे हार गए थे, तो वो ट्रीट देनी थी उन्होंने। तो अब ये है कि शाह जी ले आए हैं हमें सेंटॉरस। बंगेश ने बोला था कि मंदी खाते हैं, तो शाह जी ने बोला कि नहीं, KFC बेस्ट है। तो KFC पे बार डन हुई थी, तो KFC खाएंगे। अभी जाते हैं, देखते हैं। वो कितने जा रहे हैं? मूवी क्या पता करनी, मूवी देखनी है उन्होंने। गरीब लोग को तक अच्छा नहीं है। KFC नहीं खाना, आराम आराम। अभी हम फूड कोर्ट पे आ गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या खाना है। वही जो गरीब बंदे आ गए खरीद सकते हैं। शाह जी सही कैमरे ही बड़ा होना चाहिए। I'm ostracized and traumatized by everything I'm not. All right, I'm lost inside, and anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Bangash khush hai. Bangash ko after depression. Heavy. Shah ji sad hai. Ki Shah ji khila rahe hain. Depression pe jaate hue. ये कह रहे हैं कि चंडे ना खा ले, इधर कैमरा पकड़ा है। इनको ये नहीं पता कि मैं इधर प्रैंक करके गया हूँ। चाचा KFC KFC को हम कहते हैं काका फ्रूट चाट। आप क्या कहते हो, आप बताओ कमेंट्स में। KFC को आप क्या कहते हो? हम तो कहते हैं काका फ्रूट चाट। केंटकी फ्राइड चिकन। ओए हो, अच्छा असल नाम इसका ये है? यू ब्लडी you know English? No, you not know English. English khatam ho jati hai. Lo mat ko run lo, run lo. Itna se aage zyada na bola kar phas jayegi English. Ni main bolunga fir bhi. Hai ra, hai bhai. Do mighty aur do deals. Enough hai. Teen mighty. Aur mighty mein deal thodi hogi. Mighty fir main mighty kha lunga. डिसाइड हो रहा है क्या खाएं? मैटी या दुआ आजकल। मैं वो ये पीस होते मैं वो खाऊंगा, बर्गर नहीं खाना मैंने। फिर डीलिंग, क्योंकि मैं असल का खाना खा के आया हूँ। तो अचानक इन्होंने डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं, वही बेट वाली जो ट्रीट है वो आज होगी। तो फिर खाना तो मैंने खा लिया था, अभी हल्का फुल्का ही खाना है। 100 का डिफरेंस ना देख, मैंने बोल दिया था ब्लॉग में। पैसा बहुत है, स्कूल नहीं है जी, स्कूल नहीं है। ये मशहूर करो यार, जितना हो सके ये मशहूर करो। पैसा बहुत है दुनिया में, स्कूल खत्म हो गया है। ये बंदा ना छोटी छोटी बात पे टेंशन में आ जाता है। इसका क्या हाल है जरा व्यूअर से पूछो कुछ। ये बंदा छोटी छोटी बात पे टेंशन में आ जाता है। तो अगर आपके पास इसका कोई सलूशन है तो आप कमेंट्स में बताएं हमें। गौर से देखिए, इस वक्त तो वही शॉपर वाला है। ये वही बंदा जिसको मैंने नींद से उठाया था और वो शॉर्ट वायरल हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वायरल भी वही शॉर्ट हुआ है। बात यह है कि जब भी मैं पब्लिक प्लेस पे आता हूँ, तो वैसे मेरे रोज़ के सब्सक्राइबर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं, रोज़ डे बडे आते हैं, लेकिन वो मकदार में थोड़े होते हैं। तो जब भी मैं पब्लिक प्लेस पर आता हूँ तो मेरा दिल करता है कि एक बारी घूम के सारू बंधु से सब्सक्राइब करा लूँ, 100-150 सब्सक्राइबर हो जाए। चलो जी भैया, लेकिन इस तरह होता नहीं है। मतलब बताने का मकसद ये था कि मैं जित पब्लिक प्लेस पे जितनी भी आवाम देखता हूँ वो मुझे सब्सक्राइबर ही दिखते हैं। खाली टेबल ढूंढ रहे हैं कि हमें खाली टेबल मिले, ताकि हम ये जो पलटून लाए हैं साथ, ये हम बिठा सकें किसी जगह एंट्री के लिए। यार आते हैं, अगर हम तो भी आना कर बैठ। चौथी स्कीम मैं आपको बताता हूँ, बैठ के बताता हूँ। सेंटॉरस मंदिर दाखिल होने की चौथी स्कीम भी है। तो हाँ भाई, चौथी स्कीम मैं बताता हूँ आपको क्या है। तीन स्कीमें तो मैंने बता दी सेंटॉरस में एंटर होने की। चौथी ये है कि आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली स्कीम अकेले अकेले करके आओ, दूसरी फैमिली के साथ आओ, तीसरा या बोलो तीसरा आप ये बोल सकते हो कि हम करेंसी एक्सचेंज कराने हैं। चौथी स्कीम शाह जी ने याद की है कि कोई भी पार्सल जो आपने इधर से लिया हुआ है वो खाली डब्बा ले आओ, उनको बोलो कि हम ये चेंज कराने हैं। तो ये चौथी स्कीम भी कामयाब है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मेरे चिकन पीस अभी नहीं आए, इनके सारा कुछ आ गया है, मेरे लिए स्पेशल तैयार हो रहे हैं। मैं इनके फ्राइज खाता हूँ तब तक। बर्गर जो खाना ही था स्टार्ट कर ही सक रहा था। क्या लेना पड़ता है? बर्गर नहीं खाना। तो मेरे भी आ गए चिकन पीस और उसके साथ इन्होंने केचप नहीं दिया। केचप
15 मिनट्स लेटर और इधर हमने अभी दुबई फेर दिए, बहुत बड़ी जंग हुई है। बैकअप के लिए हमने कोई नहीं, कुछ नहीं रख लिया है, जो कुछ बचा है वो शाहजी ने इसमें डाल दिया। शाहजी ये क्यों किया शाहजी ये क्यों किया गरीब बंदे हैं, क्या बताऊं भाई। अचानक बैट लगाई और लेने के देने पड़ गए। बंदे आराम से मारे अभी। फिर शाहजी चले, शाहजी हम इंतजार करेंगे कि आप दूसरी बैट भी लगाएं। अल्लाह हाफिज। तो ये शॉर्ट सा व्लॉग था जो मैंने आपको बोला था कि शायद दिखा सकूं या ना दिखा सकूं, लेकिन मैंने दिखा दिया आपको कि शाहजी ने ट्रीट दे दिए। बंदे ने पैसे निकाले ना, इसकी तबीयत खराब हो गई। अब गलती हो गई है आज के बाद करते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये गोली भी करा सकते थे, लेकिन इन्होंने ट्रीट दी है, हमें अपनी जबान पे कायम रहे, ये बड़ी बात है यार। सलमान ये मुझे आपको बात बड़ी पसंद आई है। अभी ये है कि आज का व्लॉग इधर करते हैं ख़त्म। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दो। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.